हिस्ट्री, हिस्ट्री सुन सुन के आप बड़े हुए हैं। हिस्ट्री का ज्ञान शायद ही बहुत कम लोग होंगे जिनको नहीं होगा, इसीलिए मैं खुशबू लेकर आई हूँ हमारे चैनल पे हिस्टोरिकल मूवी जिसका नाम है पृथ्वीराज। पृथ्वीराज मूवी तो आप कई बार रिलीज हुई है, लेकिन इस बार बॉलीवुड के हेल्थ कॉन्शियस हीरो अक्षय कुमार, अक्षय कुमार जी रोल कर रहे हैं महाराणा पृथ्वीराज चौहान का। लेकिन मैं यहाँ पे अक्षय कुमार जी के एक्टिंग से थोड़ी नाराज़ हूँ, क्योंकि भाई एज के साथ में चाहे नॉर्मल इंसान हो चाहे एक्टर हो, एक्सप्रेशन तो बदल ही जाते हैं। तो यहाँ पे जो एनर्जी चाहिए थी इस रोल के लिए वो मुझे थोड़ी कम नज़र आ रही है। अगर हम बात करें कुछ दिनों पहले जो रिलीज़ हुई थी मूवी जिसका नाम था पद्मावत, तो पद्मावत मूवी में जो कि रणवीर सिंह ने जो एक्टिंग की हुई है उसे देख के रोंगटे खड़े हो गए थे। तो पृथ्वीराज का भी कुछ इसी तरीके का सीन होना चाहिए था, बट अक्षय कुमार जी को कहीं पे भी आपने ट्रेलर देखा होगा, कहीं पे भी देख के वो गूज़बम्स जो आते हैं वो नहीं आते हैं। तो इसीलिए थोड़ा अक्षय कुमार जी की मेहनत इसमें मुझे थोड़ी कम नज़र आ रही है। साथ ही में इसमें आपको देखने मिलेंगी मानुषी छिल्लर जो कि 2017 की मिस वर्ल्ड थी, तो देखते हैं कि वो अपना जादू इस मूवी में बिखेर पाते हैं या नहीं। मूवी में जान डालने वाला किरदार यानी कि विलन, तो संजय दत्त की एक्टिंग पे हम तो कोई सवाल ही नहीं उठा सकते। हाल ही में जो KGF चैप्टर 2 मूवी रिलीज हुई थी उसमें संजय दत्त की एक्टिंग देख के सबके रोंगटे खड़े हो गए थे, और ये मूवी जैसे कि यशराज की है तो कुछ बोल ही नहीं सकते। तो इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।